GFR के बारे में डिस्कस करते हैं कि GFR होता क्या है। देखिए GFR आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, यानी कि आपकी ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से जो गुच्छे की तरफ ब्लड आता है एक मिनट में वो कितना फिल्टर होकर आपकी बोमन स्पेस में जाता है, उस रेट को क्या कहेंगे GFR। एक मिनट में आपका ब्लड कितना फिल्टर होकर आपकी बोमन स्पेस में जाता है उसको क्या कहते हैं GFR, यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो अभी हम ये देखते हैं जनाब, ये आपका यानी कि दोबारा वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने ड्रा करना है। ये आपका आ गया जनाब ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन, उसके बाद ये आपकी आ जाती है जनाब ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, इसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है एफरेंट आर्टियोल जो कि ब्लड इधर लेकर आता है, और इधर से जो ब्लड लेकर आ जाएगा उसको क्या कहते हैं एफरेंट आर्टियोल। अब यहाँ से ब्लड कितना था 625 ml/min, ये था। उसके बाद यहाँ से इधर आया तो हमने पहले कहा, पहले भी मैंने जो बताया कि कितना ब्लड फिल्टर होता है 20% ब्लड फिल्टर हुआ, जिसकी वजह से 625 में से 125 जो होते हैं वो कहाँ आ जाता आपका वुमेन स्पेस में आता है, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। हमने ये सारा देखा कि कहाँ कहाँ से गुजर कर यहाँ आता है, ये भी हमने देख लिया, कौन कौन सी चीज़ें इसको रुकावट पैदा करती हैं वो भी हमने देख लिया। लेकिन ये 125 मिलीलीटर पर मिनट में अगर कोई चीज़ें ज़्यादा अगर इधर आ जाता है, फॉर एग्जांपल 125 मिलीलीटर से 130 आ जाएगा या 170 आ जाएगा, उसके ऊपर क्या है वो चीज़ें कौन ज़्यादा कर रही हैं GFR को वो भी हम देखते हैं अब। या फिर 125 मिलीलीटर पर मिनट से ब्लड जो है वो सॉरी जो फ्लूइड है वो बोमन स्पेस में कम आ रहा है, उसकी रीज़न भी हम देखते हैं कि क्या चीज़ें, मतलब कि अब हम देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द GFR यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट होते हैं। देखिए सबसे पहले अब हम देखते हैं वो फोर्स वो पावर जो के आपके ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसको वुमेन स्पेस में लेकर आता है, एक ये। उसके बाद आपका आ जाता है कि वो फोर्स जो कि आपके ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज यानी कि वुमेन स्पेस से ब्लड को लाने में रोकती है, क्या कहती है रोकती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो आपका GFR होता है वो दो चीज़ों पर मुश्तमल होता है, कितनी चीज़ों पर मुश्तमल होता है, दो चीज़ों पर, एक होता है कोफिशिएंट फिल्ट्रेशन, एक होता है नेट फिल्ट्रेशन। क्या होता है नेट फिल्ट्रेशन और कोफिशिएंट फिल्ट्रेशन। अब हम देखते हैं नेट फिल्ट्रेशन क्या होता है। नेट फिल्ट्रेशन में सबसे पहले आपका आती है फोर्सेज। नेट फिल्ट्रेशन ये होता है NF फॉर एग्जाम्पल, यानी कि फोर्सेज वोमन स्पेस की तरफ, यानी कि वो फोर्सेस जो कि वोमन स्पेस की तरफ ब्लड लाने की तरफ लगाई जाती हैं वो उसका जो माइनस हम करते हैं उसका माइनस फोर्सेस जो रुकावट करती हैं रिपेल, ठीक है, इनका हम माइनस करेंगे। अब देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये कैपिलरीज है और ये कहता है ग्लोमेरुलस। तो वो फोर्स जो आपका ब्लड को ग्लोमेरुलस के कैपिलरी से वुमेन स्पेस की तरफ अंदर लाने की लगती है उसको आप क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि वो प्रेशर जो आपका इधर की तरफ पहली फोर्स लगेगी उसको कहेंगे GHP ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इतना होगा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी 55, कितनी होगी 55 mmHg, इसकी वैल्यू कितनी होगी 55 mmHg। देखें ये जो फोर्स है ये फोर्स लगती है इसको ब्लड इधर लेकर आती है, ये कौन सी फोर्स है GHP ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 55 mmHg। और यहाँ पर ही कुछ फोर्स होती हैं जो कि इस प्रेशर को इसके अंदर ले जाने नहीं देती, वो ऊपर की तरफ पुल करने के लिए जाती है, उसको क्या कहते हैं आपका COP, यानी कि एक फोर्स ने नीचे की तरफ लगे, अगर यही फोर्स ऊपर की तरफ लगाए वो कहती है भाई मेरे ब्लड नीचे नहीं जाना, वो कौन सी होगी COP, कौन सी होगी COP। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 35 mmHg, कितनी होगी 35 mmHg। हमारा नेट फिल्ट्रेशन क्या होता था वो फोर्स जो नीचे की तरफ लग रही हो और वो फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही हो उनका जो माइनस होगा वो नेट फिल्ट्रेशन होता है, ठीक हो गया। अब देखें 55 mmHg जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, 35 ऊपर की तरफ लग रहा है, 55 में से 35 निकाला कितना रह गया 20 रह गया, तो ये कितना आ जाता है आपका 20 mmHg। जब मतलब के आप
जब आप यहाँ पर वोमेन स्पेस में आ जाते हो, यहाँ पर आपका जो ब्लड यानी कि फ्लूड जो इतना आता है, ये किसकी वजह से आता है? आपकी 20 mm एच डी फोर्स ज्यादा होने की वजह से। कितनी ज्यादा होने की वजह से? 20 mm एच डी ज्यादा होने की वजह से। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी दो फोर्सेज होती है, यानी कि ये आएगा आपका COP और दूसरा क्या आएगा CHP। अब इसमें क्या होगा, एक बात अपने माइंड में रखनी है, वहां जो ऊपर वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था ना, वो नीचे की तरफ लगाता था जोर, यहाँ पर जो वोमन स्पेस के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा ना, वो ऊपर की तरफ लगाएगा। समझ आई कि नहीं आई? Yes, और जो आपका COP यानी के जो आपका कोलाइडल ओस्मोटिक प्रेशर था, वो कहाँ पर लगता था? आपका ऊपर की तरफ लगाता था, लेकिन यहाँ वाला जो OP होगा वो नीचे की तरफ लगाएगा। कहाँ लगाएगा? नीचे की तरफ लगाएगा। समझ आई कि नहीं? समझ आ गई है? देखो हाँ जी सर, GHP जो होगा ग्लोबल साइटोस्टैटिक प्रेशर, उसके पॉजिटिव होगा वो CHP होगा, वो मतलब नीचे लगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप इस तरह करें कि देखें जो GHP होगा उसके ऑपोजिट क्या होगा, CHP होगा, यानी कि ये आपका आ गया कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसमें जो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 10 mm। ये आप देखें, ये ऊपर की तरफ लगा रहा है, इधर लगा रहा है ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ लगा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ लगाया। उसके बाद ये आपका दूसरा जो होगा, ये आपका ब्लड ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है जीरो, वो कितना होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होता है? प्रोटीन वेरी गुड, ठीक है, प्रोटीन नहीं है। देखिए नॉर्मल पर्सन में हमने देखा था कि आपकी वोमन स्पेस में कोई प्रोटीन्स नहीं आती, क्योंकि वहां पर जो होता है नेफ्रीन होती है, जो स्ट्रक्चर है वो रोके रखता है, प्रोटीन गुजरती नहीं है। तो जब प्रोटीन नहीं आएगी तो वो जो आपका जो जितना भी आपका ये ओस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन है नहीं तो ओस्मोटिक प्रेशर जीरो हुआ। समझ आ रही? अब ये जीरो हुआ तो हमने देखे ये फोर्स हमने क्या निकाला था, नेट फिल्ट्रेशन क्या होता है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रही है 20, ऊपर की तरफ कितना लग रही है 10, 20 में से 10 निकाला कितना रह गया 10 mm एच जी, तो आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आ गया? समझ आ रही है सबको? ओके ओके अभी देखें कि ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसकी जिसकी वजह से आपका GHP ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आपका CHP ज्यादा हो सकता है। अब हम इसकी तरफ देखो, कितना ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका GHP होगा, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी उतना होगा, यानी कि जितने प्रेशर के साथ आपकी ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज की तरफ ब्लड ज्यादा आएगा, उतने प्रेशर के साथ आपकी ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज फिल्टर ज्यादा करेंगी, उतना ज्यादा आपका वोमन स्पेस में ब्लड ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वोमन स्पेस में ब्लड ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका GFR ज्यादा होगा। समझ आई कि मैंने लाइंस बोली है? अच्छा देखो, उसके बाद ये क्या होता है, GHP उतना ज्यादा होता है जितना होता है ब्लड पी, यानी कि BP जितना ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर जितना, ये आपके एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपका GFR भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा था, COP यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, जिसमें प्रोटीन्स होती हैं, ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, हमको पता है अभी फिल्टर नहीं किया, ये किडनी की तरफ जो ब्लड है उसकी बात हो रही है, तो ये ऑपोजिट की तरफ लगेगा। ये क्या ऑपोजिट? मतलब के जितना ज्यादा आपका प्रोटीन ब्लड के अंदर ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो जितना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उतना कम ब्लड ग्लोमेरुलस वोमन स्पेस में आएगा, और जितना कम ब्लड ग्लोमेरुलस वोमन स्पेस में आएगा उतना कम GFR होगा। समझ आ रही है सबको? तो प्रोटीन ज्यादा होगी, यानी कि प्रोटीन ज्यादा तो आपका COP जो होगा वो ज्यादा, जितना COP ज्यादा तो GFR उतना कम। समझ आ रही है? अच्छा जी, अब ये पूछ सकते हैं कि जनाब एक ऐसी डिजीज है जैसा कि मल्टीपल माइलोमा, आपको मैंने एक बार एग्जांपल भी दी थी, मल्टीपल माइलोमा एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें प्रोटीन का लेवल जो होता है वो ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ आ रही है? जब प्रोटीन का लेवल ब्लड में ज्यादा होगा COP का लेवल ज्यादा होगा, जब COP का लेवल ज्यादा होगा GFR का लेवल कम होगा, वो ब्लड को वोमन स्पेस में जाने नहीं देगा। ठीक हो गया? दूसरे नंबर पर अब दो हमने कर ली कि क्या क्या होता है, अब हम आते हैं दूसरे की तरफ। ये दूसरे का क्या काम होता है, ये वाला जो होता है इसको क्या कहते हैं हम, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि ऊपर की तरफ लगता है। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या ट्यूब्यूल्स हैं,
यहाँ पर किसी जगह पर कोई स्टोन है बड़ा सारा स्टोन, तो ये जो स्टोन है ये ब्लड को पीछे की तरफ धक्का लगाएगा, लगाएगा ना धक्का, तो मतलब कि जितना ज्यादा आपका यहाँ पर स्टोन होगा उतना ज्यादा आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा, जितना आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा उतना आपका ब्लड ऊपर की तरफ मूव करेगा, उतना ब्लड आपका ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज की तरफ जाएगा, उतना जीएफआर कम होगा, समझ रहे हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर सीओपी यानी कि कैप्सुलर ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें आप देखते हैं क्या होता है, इसमें ये होता है नॉर्मल में तो ये जीरो होता है, प्रोटीन नहीं आ रही होगी, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी जगह पर नेफ्रॉन में इन्फेक्शन हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, जीबीएम जो होती है ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है उसमें इशू आ जाता है, जब म्यूटेशन होगी तो साइज जो हो वो बढ़ जाता है, जब साइज बढ़ेगा तो प्रोटीन आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी। जब देखो प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल पहले पर जीरो थी लेकिन यहाँ पर जब प्रोटीन आना शुरू हो गई तो ये जो होता है ये क्या करता है, ये नीचे की तरफ लगाता है फोर्स, नीचे की तरफ लगाता है, मतलब कि जितनी प्रोटीन आपकी ग्लोमेरुलस बोमेन स्पेस में आएगी, जितनी प्रोटीन आपकी बोमेन स्पेस में आएगी उतना ज्यादा आपका सीओपी ज्यादा होगा, जितना ज्यादा आपका सीओपी होगा उतना ज्यादा आपका जीएफआर होगा, समझ आ रही है, उतना ज्यादा जीएफआर उतना ज्यादा आपकी यूरिन के अंदर वॉल्यूम ज्यादा आएगा, समझ आ रही है। अच्छा ये आपने देखा कि ये कैसे होता है सारा, उसके बाद कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर आपका ये जीएफआर डिपेंड करता है वो देखते हैं। अब ये फैक्टर्स कौन से, सबसे पहले हम ये देखते हैं सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा जीएफआर होगा, पहले अपने माइंड में ये बात बैठा रहे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा आपका जीएफआर होगा। हमको पता है कि फॉर एग्जांपल एक ये छोटा सा जनाब एंडोथेलियम सेल है, इसमें जनाब ये सिर्फ और सिर्फ ये फेनोस्टेटेड कैपिलरीज है, लेकिन ये इसमें दो है, लेकिन अगर हम इसमें ऐसे बढ़ा देते हैं उसमें क्या है ये ज्यादा, इसमें क्या है ज्यादा, तो जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम जितना ज्यादा इधर उतना फिल्टर हुआ कि ना हुआ आया, तो इसका मतलब है कि अगर कितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका जीएफआर ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपका यूरिन के अंदर वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक आ रही है समझ आपको। उसके बाद जितने ज्यादा यहाँ पर फिनोस्टेटिक कैपिलरीज के सेल्स होंगे उतना ही ज्यादा आपका जीएफआर ज्यादा होगा, तो ये था हमने जो डिस्कस किया अभी वो जीएफआर क्या होता है, जीएफआर कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं।